आज यानी रविवार को कोटली भवन रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू में कोटली महाजन सभा और एसजीएल हॉस्पिटल सुभानपुर पंजाब द्वारा फ्री ऑर्थो कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन एसजीएल हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दिलबंत सिंह पंडेर की अध्यक्षता में किया गया और डॉक्टर कमलजीत सिंह सैनी द्वारा लोगों को फ्री कंसल्टेशन दी गई। रिहाड़ी कोटली कॉलोनी और आसपास के इलाकों से कई लोगों ने आकर इस कैंप का लाभ उठाया। जी, मैं डॉक्टर कमल सैनी, एसजीएल हॉस्पिटल सुभानपुर, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर दिलबंत सिंह पंडेर, असी अज एक पब्लिक अवेयरनेस कैंप हड्डियों के वास्ते लगाया है जम्मू कोटली महाजन सभा के नाल ऑर्गेनाइज करके। एंड इस सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस ही है कि गोडियां दी तबाकी जोड़ां दी संभाल किवें कीती जावे, कदों एक्सरे की जरूरत है, कदों सर्जरी की जरूरत है, ये की प्रिकॉशन लेने चाहिए हैं, पब्लिक नूं विटामिन डी धुप्पे कदों बैठना है, किन्नी देर बैठना है, होर जोड़ां दी संभाल बारे ही दस्या जा रहा है। तो लोड़मंदां नूं कुछ जरूरतमंदां नूं जो मेडिसिन रिक्वायर्ड हैगियां वह थोड़े दिन की असं दे रहे हैं। इस विच फ्री BMD टेस्ट भी लगाया गया है ताकि लोगों के हड्डियों का मिनरल टेस्ट किया जाए, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाए। आज का ये जो कैंप हेल्थ कैंप है, ये कोटली महाजन सभा ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारी जो सभा है वो ऐसे काम, सोशल काम करती आती है, कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो आज लोगों की तकलीफ समझते हुए, क्योंकि बोन्स की प्रॉब्लम हर घर में है, तो इसलिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे। यहाँ से जनरल नर्स से ऑर्थोपेडिशियन बुलाए गए जो कि सभी लोगों का चेकअप कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं। लगभग इस वक्त 140 लोगों ने ट्रीटमेंट ले लिया है और उम्मीद है कि ये 200 से 250 वक्त जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कैंप भी हम यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो लोगों का तावन है, लोगों की मुश्किलात देखते हुए ये हमारी जो सभा है वो काम कर रही है।